आए दिन शहर की दुकानों में रात को चोरियां हो रही है। ऐसा एक मामला पाचपावरी थाना अंतर्गत हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आए दिन शहर में छोटी बड़ी चोरी की घटनाएं हो रही है। पाचपावरी थाने की हद में एक दुकान में चोरी हुई थी। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बारे में पाचपावरी थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले इन्होंने जानकारी दी है। पुलिस ने पाचपावरी में तो वैसे चोरी, घरपोड़ी और लूटपाट की घटना तो बहुत कम होती है, वैसे नहीं के बराबर है। लेकिन 6/12/2020 को फिरादी वंदना लांजेवाल इनके आवड़े बाबू चौक की दुकान में चोरी हुई थी। उसमें उनके दुकान से 35,000 के कपड़े और 4,000 रुपये नकदी गए। तो इसका तपास हमारा डीबी के हवालदार राहुल बढ़िया कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने आरोपी संजय लीलाधर बोले और यश उर्फ बाबा संजय बंसोड़ को ताबे में लिया उनके पास। और उसमें दो विधि संरक्षण का बालक भी है और एक आरोपी फरार है। उसमें से उन्होंने अभी तक 16,100 रुपये का माल जब्त किया है। आरोपी की तपास जारी है और उसमें और माल रिकवर होने की शक्यता है। आए दिन चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, चाहे दुकान हो या मकान, हर जगह पे चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस भी पूरी तरह से कामकाज कर रही है। कुछ आरोपी के फिरियादी की शिकायत पर यह एक घटना दर्ज की गई, जिसके चलते पाचपावरी पुलिस आगे की जांच कर रही है। बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी बात PI नगराले इन्होंने कही है। पाचपावरी से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।